खनन राजस्व में इस बार विशेष अभियान पर राइडर लग गया है। इसमें चालू वित्त वर्ष में खनन राजस्व के तौर पर 9,000 करोड़ रुपए अर्जित करना असंभव नजर आने लगा है। विभाग 15 जनवरी तक 5,413 करोड़ रुपए अर्जित कर पाया है। ऐसे में शेष ढाई महीने में 3,577 करोड़ रुपए अर्जित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में फील्ड में लगे नॉन परफॉर्मर अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार की सख्ती काबिले तारीफ है, लेकिन एक पखवाड़े का विशेष अभियान खान विभाग को 3,000 करोड़ रुपए पीछे ले जा सकता है। दरअसल खान विभाग के फील्ड अधिकारी पहले तो आचार संहिता और चुनाव के नाम पर सुस्त बैठे रहे, अब अवैध खनन के खिलाफ अभियान के नाम पर राजस्व अर्जन में कोताही बरत रहे हैं। ऐसे में 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में खान विभाग के लिए 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य हासिल करना किसी सपने से कम नहीं है। सर्किल जयपुर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 562 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 588 करोड़ रुपए, प्रतिशत 104.70%। सर्किल उदयपुर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 665.98 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 618.61 करोड़ रुपए, प्रतिशत 92.89%। सर्किल जोधपुर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 848 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 765 करोड़ रुपए, प्रतिशत 90.17%। सर्किल अजमेर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 519.01 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 453.97 करोड़ रुपए, प्रतिशत 97.47%। सर्किल बीकानेर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 375.59 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 318.55 करोड़ रुपए, प्रतिशत 84.81%। सर्किल भरतपुर 15 जनवरी तक का लक्ष्य 224.36 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 180.85 करोड़ रुपए, प्रतिशत 80.61%। सर्किल भीलवाड़ा 15 जनवरी तक का लक्ष्य 1,777.84 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 1,423.51 करोड़ रुपए, प्रतिशत 80.07%। सर्किल राजसमंद 15 जनवरी तक का लक्ष्य 1,162.27 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 872.22 करोड़ रुपए, प्रतिशत 75.04%। सर्किल कोटा 15 जनवरी तक का लक्ष्य 240.69 करोड़ रुपए, अर्जित राजस्व 173.04 करोड़ रुपए, प्रतिशत 71.89%। दरअसल 15 जनवरी 2024 तक का लक्ष्य 6,390 करोड़ के विरुद्ध 5,413 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जो कि लक्ष्य का 84.72% है। अब विभाग को बचे हुए ढाई महीने में 3,577 करोड़ रुपए अर्जित करने हैं, जो संभव नहीं लगता। राजस्व अर्जन के मामले में अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा के नेतृत्व में जयपुर जोन 104.70% के साथ अव्वल चल रहा है। वहीं अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के पास दो सर्किल उदयपुर और जोधपुर का दायित्व है। इन दोनों सर्किल में भी राजस्व अर्जन लगभग बराबर है। सबसे खराब प्रदर्शन राजसमंद और कोटा सर्किल का है। सबसे खराब परफॉर्मेंस बूंदी प्रथम, झालावाड़, राजसमंद, सलूम्बर, जैसलमेर, कोटा, जालोर, सिरोही, भरतपुर और बिजौलिया कार्यालय की है। यहाँ के खनिज अभियंताओं पर नॉन परफॉर्मर का टैग लग चुका है। इनका फील्ड से हटना तय माना जा रहा है। खान विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। ऐसे में विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि राजस्व अर्जन में 100% लक्ष्य अर्जित करने हैं और अवैध खनन को खत्म करना है। जो इन दोनों पैरामीटर्स में फिट नहीं है उस पर गाज गिरना तय है।
सूत्रों की माने तो अवैध खनन के खिलाफ अभियान में जिन जगहों की व्हाट्सएप पर ज्यादा शिकायतें मिली हैं, वहां के अधिकारियों की सर्विस शीट खंगाली जा रही है। माना जा रहा है कि खान विभाग को लेकर सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, इसलिए नॉन परफॉर्मर की फील्ड से विदाई तय मानी जा रही है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।